इस पौने पाँच महीने के कार्यकाल के बाद जो ये हमारी पहला एग्ज़ाम था, हमारा पहला हमारा जो पहला चुनाव था जिसमें सरकार की लोकप्रियता, सरकार की कार्यप्रणाली और लीडरशिप के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी का हमारा जो है वो टेस्ट था। मैं मुख्यमंत्री की तरफ से, पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से नगर निगम शिमला की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, विशेषकर सुखिंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश दिया है, हम दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। नगर निगम शिमला के चुनाव बहुत लंबे अरसे से हर 5 साल बाद होते रहे हैं, मगर इतना बड़ा जनादेश कभी भी, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, इतना बड़ा जनादेश जो है नगर निगम शिमला के लोगों ने कभी भी किसी भी पार्टी को नहीं दिया है। इतने बड़े नेता जो कि पाँच साल मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया है, वो ऐसी बात करें तो उनके मुंह से ऐसी बातों को शोभा नहीं मिलती। उन्होंने कहा, उनका जो कहने का तत्व था, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो, उनका कहने का मतलब था कि भाई नगर निगम शिमला शहर के लोगों ने ही नहीं वोट डाला बल्कि और लोगों ने भी वोट डाला है। सत्य है, क्योंकि जो शिमला है वो शिमला ना केवल हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, मगर शिमला 12 जिलों के जो लोग हैं और 68 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, चाहे कारोबारी लोग हैं, चाहे बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने आते हैं, तो ये जनादेश जो है वो ना केवल शिमला शहर का है बल्कि ये हिमाचल प्रदेश का जनादेश है। और इसको आप ये कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है, और इसको जो आप ये कह रहे हैं कि ये शायद कि भाई केमिकल वर्ड तो नहीं यूज़ किया, मगर एक दो ही चीज़ें होती है, एक ऑर्गेनिक होगी और एक केमिकल होगी। और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये भी कह दिया कि मेरा वोट था मगर मैंने वोट नहीं डाला, और ये भी कहा कि मुझे नहीं पता किसने वोट बनाया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि वोट जब किसी भी व्यक्ति का बनता है तो उसके उस एप्लीकेशन पे साइन भी होते हैं, और उसके जो है आइडेंटिफिकेशन के रूप में आधार कार्ड या कोई और जो है वो भी वोट बनाने के समय जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को या जो व्यक्ति वोट बनाता है उसको देना पड़ता है। आज आप अपनी जीत को, अपनी हार को जो है वो पचा नहीं पाए हैं। सर्वप्रथम मैं शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रभु जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिनके परिश्रम और संघर्ष से ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई, जैसे चौहान साहब ने कहा, आज तक के हिमाचल के इतिहास में चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस की बात है, बीजेपी की बात है, कभी भी इतनी सीटें, 24 सीटें नहीं आई है। और एक तरह से जो पिछले 5 महीनों में हमारी सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने जो जनहित के निर्णय लिए, जो हर वर्ग को राहत देने का एक, मैं समझता हूँ, कवायद प्रारंभ की थी, उसका ही परिणाम है कि जो ये, मैं समझता हूँ, कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी जीत हासिल हुई है। और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट तक में नहीं आ पाई, और जहाँ ये 5 महीने जो वर्तमान सरकार के हुए हैं वो तो निश्चित रूप में आपके सामने है, चाहे कर्मचारी वर्ग की बात हो, किसानों बागवानों की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, पूरे हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास हो, इसी मूल मंत्र के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आगे अपना कार्य कर रहे हैं और आगामी 5 वर्ष में भी यही, मैं समझता हूँ, क्रम चला रहेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस दिन वोटिंग हो रही थी, यानी मैं समझता हूँ जब आपकी वोटिंग आपकी थी, उससे पहले ही जब राजीव बिंदल जी ने अपना कार्यभार संभाला था, उस दिन भी आपने उनकी स्टेटमेंट देखी होगी, उन तो स्पष्ट रूप में कह दिया था कि मेरा तो जो ये नॉमिनेशन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, वो तो 2024 के
संबंधित हुआ है, 2024 को देखकर हुआ है। एक तरह से उस वक्त उन्होंने हार मान ली थी सुरेश जी, तो शायद उनका तो उपचार भी चल रहा था उस दौरान। तो मैं समझता हूँ ये जो जनादेश मिला है ये स्पष्ट जनादेश मिला है, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा, चौहान साहब ने कहा, हम पर और जिम्मेदारी पड़ी है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम पूरी निष्ठा के साथ समर्पण के साथ अपने प्रदेश का मैं समझता हूँ सेवा करें, यहाँ की जनता जनार्दन की सेवा करें, जो हमने वादे किए हैं उसको धरातल पे लाए, प्रदेश के आय के साधन बढ़े, जो वर्तमान में एक तरह से मैं समझता हूँ एक कर्ज के चक्कर में हमारा प्रदेश फंसा है, हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, जिसके लिए हमने शुरुआती दौर में ही कदम उठा दिए हैं,